जिला मुख्यालय में पढ़ने वाली 3 बेटियों का फीफा वर्ल्ड कप के लिए हुआ चयन। जिले के छोटे से गांव की बेटियों ने फुटबॉल के खेल में जी तोड़ मेहनत कर बड़वानी जिले का नाम रोशन किया, जिसमें से एक फुटबॉल में अपना करियर बनाने टीकमगढ़ से बड़वानी आकर पढ़ाई के साथ फुटबॉल के खेल में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई। स्थानीय साकेत इंटरनेशनल स्कूल की होनहार बच्चियों का फुटबॉल के प्रति अपना जुनून, उनका संकल्प राष्ट्रीय खेल के प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाने का सपना साकार होने जा रहा है। फुटबॉल कोच देवेंद्र जोशी ने बताया कि आगामी 2020 के नवंबर माह में आयोजित होने वाली अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के राष्ट्रीय स्तरीय 50 खिलाड़ियों में चयन हुआ है। इन्हीं 50 खिलाड़ियों में से फीफा वर्ल्ड कप हेतु राष्ट्रीय टीम का गठन होगा। मध्य प्रदेश के पिछड़े आदिवासी जिले और सीमित संसाधनों के बावजूद पढ़ाई के साथ मधुबाला अलावे 16 वर्ष रेहगुन वंदना यादव 15 वर्ष बड़वानी, हितेशी चौधरी 14 वर्ष से गांव ने अपनी अथक और लगातार प्रतिदिन सुबह 5 घंटे एवं शाम को 5 घंटे की मेहनत का जो लगातार 2 वर्षों से कर रही है और अपने कोच देवेंद्र जोशी के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं शासन प्रशासन और सरकार से मांग की है कि जिस तरह मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में फुटबॉल अकादमी की पहल की है, उसी तरह बड़वानी में भी फुटबॉल अकादमी हो, जिससे कई प्रतिभाओं को आगे जाने की सुविधाएं मिल सके। तीनों छात्राओं की इस उपलब्धि पर कोच देवेंद्र जोशी सहित प्रिंसिपल सोनल भट्ट, डायरेक्टर अनुप मंडलोई सहित स्टाफ में हर्ष है। वहीं तीनों खिलाड़ियों का सपना है आगामी 2020 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में चयन के बाद इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व कर बड़वानी का नाम देश में ऊंचा करे। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। बड़वानी जिले से और बड़वानी जिले के एकमात्र स्कूल साकेत इंटरनेशनल की तीनों बालिका हैं अंजड़ से, जिनका सिलेक्शन भारतीय टीम अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए हुआ, 50 बालिकाओं में हुआ है। ये निमाड़ क्षेत्र और बड़वानी जिले का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। एक बच्ची बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर रेहगुन की निवासी है, उसके पिताजी एक सामान्य शिक्षक हैं। एक बच्ची जो है टीकमगढ़ से आई, 1000 किलोमीटर दूर से बड़वानी, सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए कि मुझे राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर बनना है और भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना है। एक बालिका है हितेशी चौधरी, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सेगांव से रेगुलर अप डाउन कर रही है। क्या लगता है छोटे छोटे गांव की बालिकाएं देश में अपना नाम रोशन करेगी, अपना और देश के देश का नाम? सर, ये बच्चों का सपना है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश से सिर्फ 3 बालिकाओं का चयन हुआ है और तीनों बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, एक छोटी सी जगह से, बड़वानी जिले से। इसमें कोई भी बालिका किसी महानगर से बिलोंग नहीं कर रही है। मतलब कितनी कितनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप, और आपने मतलब कि आपका क्या सपना है कि मतलब इनको इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उससे क्या चाह रहे हैं, कितने बच्चे? बालिकाओं के सर पिछले 5 सालों की तपस्या का परिणाम है ये। मतलब इसमें जो बालिकाएं हैं वो पिछले 5 सालों से नियमित 8 से 10 घंटे अभ्यास कर रही है और इसी का परिणाम है कि बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से और इतनी छोटी सी जगहों से, एक आदिवासी जिला है। और इसी के लिए हम प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी शुरू करें। कमलनाथ जी अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एकेडमी शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रयासरत रहे हैं। हमने बाला बच्चन जी जो गृह मंत्री हैं, जो खेल मंत्री हैं जीतू पटवारी जी, उनसे भी प्रयास कर रहे हैं कि बड़वानी जिले में फुटबॉल की एकेडमी शुरू करें, क्योंकि इसके पहले भी एक बच्चा फीफा वर्ल्ड कप के लिए अंडर 17 बालक में चयन हुआ था। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय बड़वानी की टीम चेकोस्लोवाकिया गई थी, उसको भी तैयार किया था और आज इतनी छोटी सी जगहों से 3-3 बालिकाएं निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। तो मेरा प्रशासन और खेल विभाग से शुरू से वो सहयोग करते आया है। अब हमारा ये निवेदन है कि यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी शुरू करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुबाला अलावे है। अभी आपका चयन फीफा वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। हाँ। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट और मेरे सर का सपोर्ट ही इस मुकाम पर मैं अब हूँ। कितनी मेहनत कर रहे हैं? मैं 4 बजे से लेके 8 बजे तक सुबह और 8 से लेके और 10 मतलब 4 बजे से लेके 8 बजे तक सुबह शाम को प्रैक्टिस। मैं अपेक्षा रखती हूँ कि मैं खुद कैप्टन बनूँ इंडिया की और मैं